हेलो बच्चों, नमस्कार। कक्षा 9 हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो अपना पाठ है वो है सांवले सपनों की याद। इसके लेखक हैं जाबिर हुसैन, जिनका जन्म सन 1945 में बिहार प्रदेश के नालंदा जिले के ग्राम नौनही राजगीर में हुआ था। ये भाषा शैली के धनी जाबिर हुसैन राजनीतिक होने के साथ साथ श्रेष्ठ लेखक भी रहे हैं। जाबिर हुसैन, उन्होंने स्नातकोत्तर तक अंग्रेजी भाषा और साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। उपाधि प्राप्त करने के बाद वे अंग्रेजी भाषा और साहित्य के प्राध्यापक भी नियुक्त हुए। वे प्रारंभ से ही देश की राजनीति में सक्रिय रहे। सन 1977 ईस्वी में उन्होंने मुंगेर विधानसभा का चुनाव जीता और मंत्री पद प्राप्त किया। सन 1995 ईस्वी में वे बिहार विधान परिषद के सभापति चुने गए। राजनीति होने के साथ साथ अपने अनुभवों को उन्होंने विविध प्रकार से गद्य बह किया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी, डोला, बीबी का मजार, जो आगे है, अतीत का चेहरा, लौंगा, एक नदी रेत भरी आदि। इसके अलावा इनकी जो साहित्यिक रचनाएं हैं, जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं के अच्छे जानकार हैं। उन्होंने अपने साहित्य में आम आदमी के संघर्षों की को वाणी दी है। जाबिर हुसैन की डायरी कला पर विशेष चर्चा होती रही है। उन्होंने विशिष्ट व्यक्तियों पर महत्वपूर्ण डायरियां लिखी हैं। उन्होंने इस दिशा में नए प्रयोग भी किए। जाबिर हुसैन की भाषा शैली कलात्मक है। भाव अनुभवों से जन्मते हैं, फिर लेखन कला में ढलते हैं। सांवले सपनों की याद, यह एक ऐसा गद्य लेख है जिसे न तो संस्मरण माना जा सकता है, न रेखाचित्र, न ही इसमें वास्तविकता का सही सही आकलन भी होता है। वास्तव में उनके शब्द व्यक्तित्व का प्रभाव चित्र उपस्थित कर देते हैं। वे शब्द से अशब्द की ओर ले जाते हैं। इनकी भाषा में संस्कृत के प्रचलित शब्दों को अपेक्षा तद्भव शब्दों तथा उर्दू के शब्दों की अधिक रुचि दिखती है। इनकी भाषा में अनुरोध, प्रकृति, अनुभव, संभावित जैसे प्रचलित संस्कृत शब्द हैं, तो उर्दू के हिफाजत, हिदायत, सैलानी, वकालत के शब्द भी हैं। सोता, पंछी, माखन, भांड, मौत जैसे शब्द भी धड़ल्ले से आते हैं। अंग्रेजी के शब्द भी स्वाभाविकता के साथ आए हैं। संक्षेप में जाबिर हुसैन की भाषा शैली दिल को छू लेने वाली है, लेकिन सहज और सरल होते हुए भी फिर भी एक अनोखी भाषा है। यहां जो अपना पाठ है सांवले सपनों की याद, ये एक लेख है कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहां संभव है। देखिए, परिंदों का अर्थ है पक्षी, हुजूम का अर्थ है भीड़ या जनसमूह, खामोश जो उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ है शांत, और वादी का तरफ अर्थ है घाटी। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए, लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी में और तनाव के माहौल में सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। पलायन का अर्थ है दूसरी जगह चले जाना। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन है, हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो।
कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। हरारत का अर्थ है थकावट, उष्णता या गर्मी। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, आगे जो ये शेष पाठ है ये कल के वीडियो में आपको बताएंगे। और आपसे जो होमवर्क दिया जाता है आप अपना वो होमवर्क समय समय पर करते रहें, जो समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स में डाल करके हमें अवगत कराएं। धन्यवाद।